नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। मैं काशिफ अली। नीरव मोदी भगौड़ा देश से भाग जाता है, लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं वो वाकई में इस वक्त सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है। मैं आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आप सरकार से पूरी तरह भरोसा उठा लें। जी हाँ, मामला ही कुछ ऐसा है कि नीरव मोदी मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था, फिर रोटोमैक के मालिक घोटाला कर देता है, फिर बाद में एक और हीरा व्यापारी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को चूना लगा देता है। अब एक बार फिर खबर यह आ रही है कि अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फ्रॉड का मामला सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि फिर PNB को चूना लगा है और चपत लगी है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिर में मामला क्या है और नीरव मोदी का मामला क्या है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना के तहत जारी एक लोन फर्जीवाड़े में नया मामला दर्ज किया है। इस मामले में राजस्थान के बाड़मेर में PNB की शाखा में एक वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने सितंबर 2016 और मार्च 2017 के बीच गलत तरीके से 26 मुद्रा लोन का वितरण किया, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 62 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नीरव मोदी के मामले के बाद अब CBI ने बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा मामले में PNB ने मुद्रा लोन को बिना पूर्व निरीक्षण या भौतिक सत्यापन की मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि NDA सरकार ने स्वरोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से छोटे उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक के असुरक्षित ऋण देने की मुद्रा योजना शुरू की थी। मुद्रा के तहत ब्याज दर अन्य कर्जों से अपेक्षाकृत कम है। साथ ही ऋण सुविधा प्राप्त करने के साथ बैंकों को संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोन की मंजूरी या वितरण के बाद उधारकर्ता को धन का उपयोग करते हुए एक संपत्ति बनाने की आवश्यकता होती है जो स्वीकृत लोन की सिक्योरिटी का काम करता है। ताज़ा मामले में मुद्रा लोन के तहत मंजूर किए गए ऋणों से कोई संपत्ति नहीं बनाई गई थी। CBI का कहना है कि इस मामले में PNB की तरफ से बड़ी चूक हुई है। इस लोन के मामले में PNB बाड़मेर के तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक इंदर चंद्र चुड़वा ने व्यवसायी की जगह लोन से पहले निरीक्षण और भौतिक सत्यापन नहीं किया। फील्ड सत्यापन केवल 26 ऋण मामलों में से एक किया गया था जो फर्जी और कार्यालय में मेज पर तैयार प्रतीत होता है। CBI ने पाया कि कुछ उधारकर्ताओं को बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर के थे, जबकि बैंक केवल शाखा के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को ऋण स्वीकृत कर सकता है। 26 लोन खातों में 5 NPA में बदल गए हैं क्योंकि संपत्ति का निर्माण करने के लिए ऋण का उपयोग नहीं किया गया था। बैंक 62 लाख की बकाया राशि वसूली नहीं कर सकता क्योंकि बैंक के पास कोई सिक्योरिटी राशि उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी ने बैंक को 62 लाख का नुकसान पहुंचाया है। CBI ने आगे पाया कि जोधपुर में PNB को महाप्रबंधक ने मामले की जाँच कराई थी और शाखा के अनुभाग अधिकारी को भी निलंबित कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया था। वर्तमान में राजस्थान में PNB अबू रोड शाखा में तैनात किया गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से देश में लगातार घाटे घोटाले हो रहे हैं, लगातार चूना लगाया जा रहा है, बैंकों को लगातार चपत लग रही है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अब ये जो मामला, जो ताज़ा मामला सामने आया है वो ये है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फ्रॉड का मामला सामने आया है। इसमें फिर पंजाब नेशनल बैंक को बड़ी चपत लगी है। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में करीब 11,500 करोड़ का जो घोटाला हुआ, महाघोटाला सामने आने के बाद इस बैंक की बाड़मेर शाखा में एक और घोटाला सामने आया है। इस बार बैंक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। CBI ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। मुद्रा योजना PM मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका जिक्र वे अक्सर बेरोजगारी के सवाल पर करते रहते हैं। इस योजना में कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है और लोन देने के बाद इस राशि के जरिए आवेदक को कुछ संपत्ति अर्जित करनी होती है। इस शाखा से जारी किए गए मुद्रा लोन में ऐसा नहीं हुआ। CBI के मुताबिक राजस्थान में PNB की बाड़मेर शाखा में एक ब्रांच मैनेजर ने सितंबर 2016 और मार्च 2017 के बीच बेईमानी और धोखाधड़ी से 26 मुद्रा लोन बांटे। कहा यह जा रहा है कि इस वजह से बैंक को करीब 62 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके के मामलात सामने आ रहे हैं, ये वाकई में बेहद चौंकाने वाले हैं कि असल के में जो बैंकों में, जो शाखाओं में जो चल रहा है, जो घोटाले चल रहे हैं, आखिर सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं, लेकिन सरकार एक मूक दर्शक के तौर पर बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक को जो 11,500 करोड़ का जो महा घोटाला, उसके बाद से PNB ने अब तक 1600 से ज़्यादा
अपने कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो ये बात सामने आ रही है, जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वो यही निकल कर आ रही हैं कि क्या सरकार इन सब चीज़ों से क्यों आंखें मूंदी हुई है, आखिर सरकार क्यों इन पर बड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, इन महा घोटालेबाजों पर जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, देश को चूना लगा रहे हैं, बैंकों को चूना लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये राजस्थान के बाड़मेर शाखा में जो पंजाब नेशनल बैंक में 62 लाख रुपए का जो सामने आया है मामला, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला है कि आखिर देश में जिस तरीके से आर्थिक मामलों पर जिस तरीके से हम पिछड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम पीछे होते जा रहे हैं, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उसके लिए नियामक जो है वो जिम्मेदार हैं, नेता इतने जिम्मेदार नहीं होते। आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? आखिर प्रधान सेवक नहीं लेंगे, वित्त मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो आखिर जिम्मेदारी लेगा कौन? ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर बैंकों में इस तरीके के जो घोटाले हो रहे हैं, जो अधिकारी इसमें मुलव्विस हैं, जो इन्वॉल्व हैं, वो आखिर किसकी शह पर ये काम कर रहे हैं? ये बड़ा एक अपने आप में बड़ा विषय बन जाता है। बहरहाल मैं बात कर रहा था राजस्थान के बाड़मेर शाखा में PNB के जो 62 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है बैंक को, बिजनेस जो अगर मैं एक बड़े अखबार की आपको रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं तो CBI का कहना है कि ताज़ा बैंकिंग घोटाले में PNB ने व्यापार या आवास का सत्यापन किए, यानी उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई वेरीफाइड नहीं किए डॉक्यूमेंट्स ना व्यापार और आवास का के बिना आवेदकों को मुद्रा लोन जारी कर दिए। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक के लिए अपना अप्लाई किया था लोन के लिए, उनके ना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, ना उनकी कोई जांच की गई और उनको लोन कर दिया गया। यानी साफ तौर पर इस योजना के माइक्रो और यूनिट्स डेवलपमेंट और रिफाइनेंस एजेंसी, यानी साफ तौर पर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा योजना के तहत फर्जी लोन जारी किए गए। CBI ने इस मामले में PNB बाड़मेर शहर के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर इंद्रचंद्र रावत के खिलाफ, माफ कीजिए, ब्रांच मैनेजर चंद्र चंदावत के खिलाफ केस दर्ज किया है। और CBI का कहना है कि उन्होंने लोन जारी करने वाले आवेदकों की जांच नहीं की, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया और लोन देने के बाद आवेदकों के संपत्ति अर्जित की भी जांच नहीं की। यानी साफ तौर पर जो फिजिकल उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, किसी ने अप्लाई किया लेकिन उनका जाकर उनके जो उन्होंने एड्रेस दिया था उस पर कोई जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, उन पर पता नहीं था, फिजिकली जाकर उनसे कोई नहीं मिला गया, तो ये अपने आप में तस्वीर निकल कर आ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर उन जो उनको लोन दिया गया उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई, उनका वेरीफाई क्यों नहीं किया गया, ये साफ तौर पर बैंक के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहरहाल बात मैं आपको बता रहा था, CBI ने कहा है कि जारी करने से पहले 26 लोन में से केवल एक की जांच की गई, इसके अलावा किसी भी बैंक शाखा को 25 किलोमीटर आसपास तक के इलाकों में रहने वालों को लोन जारी करने की इजाज़त होती है, लेकिन PNB के केस में 100 किलोमीटर दूर के इलाकों में लोन रहने वालों को भी लोन जारी किए गए। यानी ये उसका एक रूल है कि 25 किलोमीटर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को ही इजाज़त होती है, लेकिन वो 100 किलोमीटर के तक लोगों का लोन जारी किया गया। अब इन 26 में से 5 लोग NPA हो गए हैं, यानी वो बैंक अब 62 लाख रुपए का वसूल नहीं कर सकता, उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, घाटे में हैं। अब उन्होंने 62 लाख रुपए वसूले नहीं जा सकते क्योंकि इन आवेदकों ने कोई संपत्ति अर्जित भी नहीं की थी, यानी उन्होंने कोई अपनी संपत्ति भी नहीं दिखाई थी कि हमारे पास कोई मॉर्गेज नहीं की गई थी। अब CBI को मालूम ये चला है कि इस मामले में जोधपुर में तैनात PNB के डिप्टी जनरल मैनेजर ने जाँच भी की थी और इस शाखा के मैनेजर को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन बाद में सस्पेंशन वापस ले लिया गया। अब घोटाले के आरोपी की राजस्थान की अबू रोड स्थित PNB शाखा में नियुक्ति है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने PNB के साथ हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। अब इन नए घोटाले में चंदावत पर आरोप है कि उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए के मुद्रा लोन की राशि को प्राइवेट खातों में ट्रांसफर करा दिया। ज़रा देखिए, जो मैंने आपको पूरी जो मामला बताया है ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला है, देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर सरकार को इस पर सोचना चाहिए और PNB को इस पर कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से मुद्रा लोन बांटा गया,
और आवेदकों का बिना कोई वेरिफिकेशन किए उनको लोन दिया गया, और फिर अब 5 उनमें NPA भी हो गए, यानी अब वो भर नहीं सकते। 62 लाख रुपए का सीधा सीधा नुकसान हुआ है, इस पर जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है खड़ा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI न्यूज़। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.